बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 26 है और आज हम लोगों ने पढ़नी है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड में मैंने बताया था अगर 3.4 में से आएगा या 3.6 में से आएगा। स्टेटमेंट में कहते हैं जी प्रूव दैट ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। तो ये बेटा हमने प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर बैठा जी हम लोगों ने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे जी यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम वो क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू को 4a + 5b + 4a - 5b डिवाइडेड बाय 4a + 5b - 4a - 5b। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। ये जो प्लस है ये कंपोनेंटो की वजह से आया और ये जो माइनस है ये डिविडेंडो की वजह से आया। अब आपको पता है माइनस के बाद दो वैल्यूज हो तो इसमें लिखते हैं ब्रैकेट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा 4c + 5d ये प्लस कंपोनेंटो का आ गया 4c - 5d डिवाइडेड बाय 4c + 5d ये माइनस डिविडेंडो का आ गया 4c - 5d। इसके बाद 4a + 5b + 4a - 5b डिवाइडेड बाय 4a + 5b - 4a + 5b 4c + 5d + 4c - 5d डिवाइडेड बाय 4c + 5d - 4c + 5d। ओके बेटा दोबारा देखें कि हमने यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड को जेरो तक आया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस किया। इसी तरह इधर भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, माइनस के बाद दो वैल्यूज हैं जैसे किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गए चेंज हो गए। सो यहाँ से +5b - 5b + 4a - 4a + 5d - 5d + 4c - 4c ये कट गया। 4 + 4 कितना आ गया हमारे पास 8a/10b = 8c/10d। अब 8/10 को खत्म करना है तो किस तरह करेंगे, इसके ऑपोजिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2/3 है इसे खत्म करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, तो ये खत्म हो जाएगा 3 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। तो दोनों तरफ 10/8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 8a/10b = 10/8 × 8c/10d। यहाँ से 8 से कट गया, 10 से कट गया, 8 से कट गया, 10 से कट गया, a/b = c/d। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है a/b = c/d। ये हमने बेटा जी प्रूव कर ओके जी। इसी तरीके से ये पार्ट ऑफ एक्स इसको देखिएगा, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले के साथ ऊपर प्लस करें ac² + bd² ये प्लस आ गया कंपोनेंटों का प्लस ac² - bd² डिवाइडेड बाय ac² + bd² माइनस डिविडेंडों का ac² - bd² माइनस के बाद दो वैल्यू ब्रैकेट। इसी तरह इधर c³ + d³ + c³ - d³ डिवाइडेड बाय c³ + d³ - c³ - d³ ac² + bd² + ac² - bd² डिवाइडेड बाय ac² + bd² - ac² - bd² इसी तरह यहाँ ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी c³ + d³ + c³ - d³ डिवाइडेड बाय c³ + d³ - c³ + d³। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि माइनस के बाद उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, वो गलत हो जाएगा।
माइनस के बाद आपको पता है x से जाहिर कर लीजिए तो उसे किस पे लिखते हैं ब्रैकेट में, ये प्लस माइनस ऊपर से कटेगा ये प्लस माइनस नीचे से, इसी तरह ये प्लस माइनस ऊपर से और ये प्लस माइनस नीचे से। बाकी हमारे पास बचा 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर, यहां आ गया 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब, तो सीधे सीधे 2 2 से कट गया ये भी कट गया। बाकी हमारे पास बचा ac स्क्वायर ओवर bd स्क्वायर इज इक्वल टू c क्यूब ओवर d क्यूब, तो d स्क्वायर ओवर b स्क्वायर d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ac स्क्वायर ओवर bd स्क्वायर, इसी तरह इधर पे d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c क्यूब ओवर d क्यूब, तो c स्क्वायर कट गया d स्क्वायर कट गया, 3c में से 2c कट गया 1c, 3d में से 2d कट गया 1d, सो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d which is equal to a ratio b equals to c ratio d। ये बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करना। ओके बेटा 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स हैं ये बेटा हमने आज सॉल्व कर लिए। ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।